तो इसी के साथ में अपने शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस। प्रीपोजिशंस ऑफ स्पेस के अंदर आपके सबसे पहला जो प्रीपोजिशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एट। प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के अंदर फर्स्ट प्रीपोजिशन हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे एट। एट कहाँ पर प्रयोग होता है? सीधी बात यह है कि जब एक कोई भी स्थान और उस स्थान के ऊपर कोई नाउन स्थित हो। एक नाउन है, जैसे कोई भिखारी किसी जगह के ऊपर है, या मान लो कोई गांव है, उस गांव के अंदर कोई ऐसी चीज है कि जो वहां पर स्थित हमने देखी थी, तो ऐसे के अंदर हम क्या लिखते हैं? यानी जो वहीं पे रहेगी, जैसे जो कार्य करने कोई काम कर रहा है आदमी, और वो वहीं पे काम करेगा। अपने को ये है कि यहीं पे करता था, यहीं पे कर रहा है और यहीं पे करता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक तो अपने स्पेस के अंदर एट यूज करते हैं। कैसे? देखो, आई सॉ ए बेगर एट द स्टेशन। यानी स्टेशन के ऊपर कौन मिला? एक बेगर, एक भिखारी दिखा। लेकिन अपने को ये भी पता है ये यहीं पे था, अपने को भी दिख गया और आगे भी यहीं पे रहेगा, तो इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? एट। ऐसे स्थान के लिए आप एट लगा देते हैं। नेक्स्ट वन आएगा, मान लो कोई आदमी है जिसके लिए आप बात कर रहे हो, मोहन है ये। मोहन इज एट हिज ऑफिस। मोहन इज एट हिज ऑफिस, ठीक है। मोहन कहां पर है? अपनी ऑफिस के अंदर। अपने को इसके बारे में पता है, मोहन अपने दफ्तर में ही जाता है, वहीं पे है और वहीं पे पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो ले कह देते हैं मोहन इज एट हिज ऑफिस, यानी उसका स्थान जो है वो फिक्स था, अपने को पहले से पता था ये बंदा कहां पर क्या करने वाला है। तो एक नाउन जब किसी स्थान के अंदर होती है तो अपने को जब इतना भी थोड़ा सा कंफर्म होता है कि ये यहीं पे रहने वाली है, उस समय आपने क्या करते हैं? एट का यूज कर लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन आता है वो आएगा ऑन। ऑन का मतलब होता है एक चीज ऊपर। ऊपर के सेंस में ऑन कब प्रयोग होता है? जब एक सरफेस के टच में दूसरा सरफेस हो। जैसे यहाँ पर सपोज टेबल है और ये टेबल के टच के अंदर आपका पेन है। अगर पेन टेबल के टच के अंदर है, सरफेस टच हो रहा है, तो ये पेन ऑन द टेबल है। अगर सरफेस टच नहीं हो रहा, इस तरह से है, तो फिर ये एबो हो गया, ऑन नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करते हैं? ऑन जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और एक दूसरे के टच में होनी चाहिए। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, राइट, यू आर सिटिंग ऑन ए बेंच। अब जैसे बेंच पे बैठेगा तो शीट जो है वो टच में तो आएगी बेंच के, ऐसे तो है नहीं कि इस तरह से वो बैठा रहेगा, टच में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस के टच में हो, उसको क्या कहते हैं? वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? वहाँ पर आपको ऑन यूज करना होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन आता है स्पेस वाले के अंदर वो आएगा इन। एट और इन, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला रहता है यार, कहाँ पे इन आ जाएगा और कहाँ पे एट आ जाएगा, ये जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन हो जाता है कि एट और इन के बीच में ही अपने को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो एट और इन के बीच में रहता है। और आपको जो कोई चक्री भी चढ़ाता है ना, तो वो एट और इन के माध्यम से ही आपको चक्री चढ़ाया जाता। तो एट का, जैसे हमने कहा कि एक ऐसे स्थान के ऊपर कोई नाउन स्थित थी, है और रहेगी, अपने को उसके लोकेशन का पता होता है। इसी तरह इन तब आता है जब किसी सराउंडेड प्लेस के अंदर, कहाँ पे? किसी सराउंडेड प्लेस के अंदर कोई व्यक्ति या कोई नाउन या कोई भी नाउन ही मान के चलो आप कि कोई भी नाउन है वो किसी सराउंडेड प्लेस के अंदर रखी रहे। जैसे कि सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, कोई परिवेश होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जॉन इज स्लीपिंग
इन हिज रूम। अब रूम जो है उसका गिरा हुआ है, परिवेश है, बंदा कौन, जॉन स्लीपिंग, कहाँ पे, एक गिरी हुई है उसका जो स्थान है, परिवेश है, वहाँ पे कौन है, नाउन कौन है, जॉन, तो इसलिए क्या आया, इन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह जब लिखते हैं दिस इज द ओनली शॉप इन माई विलेज, आपका गांव है, एक परिवेश है, एक गिरा हुआ स्थान है, वही गांव कहलाता है, उसके अंदर एक दूसरी नाउन के है दुकान, यानी एक परिवेश के अंदर, एक गिरे हुए स्थान के अंदर दूसरी चीज है, तो इन लगा लिया जाता है। जैसे वाटर इज फिल्ड इन द बॉटल, पानी जो है वो बोतल के अंदर भरा गया है। ठीक है, यानी परिवेश जो है वो सराउंडेड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए एक निश्चित, वहां पर आप इन लगा सकते हैं। जैसे स्टेशन जो है वो एक घिरा हुआ परिवेश नहीं होता, तो आप जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लगाया, एट, लेकिन रूम एक घिरा हुआ परिवेश है तो क्या लगा रहे हैं, इन। बोतल भी एक घिरा हुआ सराउंडेड परिवेश होता है तो इन। गांव भी एक सराउंडेड परिवेश है तो क्या लगाएंगे, इन। यानी सराउंडेड प्लेस के अंदर अगर कोई नाउन की लोकेशन आ जाती है तो वहां पे हम यूज करते हैं इन। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो आपका आता है, दैट इज अगेंस्ट, ए जी ए आई एन एस टी, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, विपरीत। देखिए जब प्रीपोजिशन की बात आती है, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के अंदर अगेंस्ट को आप पढ़ते हैं तो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के विपरीत, सहारा दे देना। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, इसको मैंने इस तरह से इसके साथ में टिका के खड़ा कर दिया, अब ये अगर इसके सपोर्ट पे टिका हुआ है तो ये अगेंस्ट द बोर्ड हो गया। इसी तरह ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर आप किसी तरह मान लो ऐसे टेढ़ा करके दीवार के साथ में रख देते हैं, रखा हुआ है, तो ये अगेंस्ट हो गया। जैसे सीढ़ी होती है वो क्या होगी, अगेंस्ट हो जाएगी। सीढ़ी को अगर दीवार के साथ ऐसे लगाया हुआ है तो वो क्या है, अगेंस्ट द वॉल। तो लिखेंगे द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, यानी एक चीज के दूसरे के विपरीत सहारे खड़ी हो प्लेस के, स्पेस के मामले में, तब अगेंस्ट लगाया जाता है। The ladder is placed against the wall. इस तरीके से आपके अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं कोई भी चीज हो। ठीक है, अगर आपने उसको किसी चीज के सहारे पे टिका के खड़ा किया हुआ है तो आप उसमें अगेंस्ट ही लिखेंगे। जैसे मान लो एलईडी आपने खड़ा कर रखा है कोई अलमारी के पास में, तो आप लगा सकते हो एलईडी इज मेड टू स्टैंड। इसको कैसे खड़ा किया गया है, एलईडी इज मेड टू स्टैंड अगेंस्ट अलमीरा, इसको अलमारी के सहारे खड़ा किया गया है, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, एलईडी इज मेड टू स्टैंड अगेंस्ट अलमीरा, एक अलमारी के सहारे पे आपने खड़ा कर रखा है, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, अगेंस्ट शब्द का इस्तेमाल कब करते हो, जब एक चीज के विपरीत आप दूसरी को खड़ा करते हो। अब आता है एबो, एबो, एबो का क्या मतलब होता है, एबो का मतलब होता है एक चीज के ऊपर दूसरी, लेकिन वो टच में नहीं होती एक दूसरे के। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो है ना वो ऊपर है, कि जैसे सपोज, जैसे हमने ये बात की थी कि ये टेबल है और ये पेन है, टच में है तो हम ऑन लगाएंगे, लेकिन एबो के लिए क्या टच में नहीं हो सकता। जैसे सूरज है, हमारे सिर की सीध में होता है लेकिन टच में नहीं होता। छत है तो हमारे सिर के ऊपर होती है लेकिन सीध में नहीं होती। सपोज ऊपर पंखा चल रहा है, हम नीचे खड़े हैं, तो है तो वो ऊपर ही लेकिन टच में नहीं है, क्योंकि अगर पंख फैन ऑन द हेड बोलेंगे इसका मतलब तो ये मान लो फिर हेड था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में अपने क्या करते हैं कि एबो उसके लिए लगाते हैं जो चीज़ एक से दूसरी पे हो जाती है, सीध में होती है लेकिन सेटिंग उसकी जो है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, लिखो
द काइट्स आर फ्लाइंग एबो द क्लाउड्स। ये क्या कह रहा है कि जो पतंग है वो ऊंची उड़ रही है। काइट्स आर फ्लाइंग एबो द क्लाउड्स यानी बादलों से भी ऊंची, यानी बादलों के टच में नहीं है, बादलों से भी ऊपर उड़ रही है। तो इसने क्या लगाया? एबो। और क्या लगाएंगे? द सन इज एबो द होरिजन, कि क्षितिज से भी ऊंचा है। होरिजन वो पॉइंट, उस पॉइंट को मानते हैं अपने, कि कोई ऐसा पॉइंट अपने को लगता है जब एक जगह से देखते हैं तो अपने को लगता है एट ए पॉइंट अर्थ एंड स्काई दे आर मीटिंग टूगेदर, आसमान और धरती एक साथ मिल रहे हैं, ऐसा एक पॉइंट नज़र आता है, वो होरिजन होता है। तो अपने ये कहते हैं कि ये जो सूरज है ये उस होरिजन से यानी क्षितिज से भी ऊंचा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन के लिए आपने क्या करना है? एबो शब्द का इस्तेमाल करना है। एबो के बाद में जब अपने प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस की बात करते हैं तो एक प्रीपोजिशन आता है बिफोर। बिफोर जब हम टाइम में कर रहे थे बिफोर का मतलब है पहले, और जब स्पेस में बात करते हैं तो बिफोर का क्या मतलब हुआ? बिफोर का मतलब होता है के सामने। जैसे आप कहते हो देयर इज अ ट्री बिफोर माई हाउस, कि आपके घर के सामने क्या है? एक ट्री है। तो आपने ये कह दिया देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो आपने क्या लगाया? बिफोर। ठीक है, दैट थीप वाज ब्रोट बिफोर द जज, कहां पे लाया गया चोर को? जज के सामने। तो बिफोर का मतलब क्या हो गया प्लेस वाले में? सामने, कि एक सामने जो जगह है वहां पर दूसरी चीज, एक के सामने अगर दूसरी चीज है तो क्या कहेंगे आप? बिफोर कह सकते हैं। इसी तरह जब ऑपोजिट आ जाए, ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है खिलाफ, यानी आमने सामने। आमने सामने का मतलब क्या है? फेस एकदम सामने होना चाहिए। जैसे ट्री का तो कोई फेस नहीं होता, पर एक मंदिर है मान लो आपके घर के आगे है, ठीक है, और मंदिर की पीठ है आपके घर की तरफ, तो आपका घर जो है मंदिर के बिहाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मंदिर का मुंह आपके घर के मुंह के सामने, यानी मंदिर का दरवाजा कहते हैं ना मुंह गांव में, कि दरवाजे को मुंह, मंदिर का मुंह इधर है, मेरे घर का मुंह इधर है, मुंह का मतलब दरवाजा। अगर मंदिर का दरवाजा और आपके घर का दरवाजा आमने सामने है तो आप ऑपोजिट कह सकते हो। जैसे आप ये कह सकते हो देयर इज ए टेम्पल ऑपोजिट टू माई हाउस, देयर इज ए टेम्पल ऑपोजिट माई हाउस। ये आप कह सकते हो कि मेरे घर के सामने क्या है? एक मंदिर है। ठीक है, इसी तरह आप ये कह सकते हो सीता वॉज सिटिंग ऑपोजिट मी, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो आपके सामने मुंह करके बैठती है। ठीक है, He was standing opposite his father. वो अपने पिता के सामने की ओर मुंह करके, यानी बाप बेटे आमने सामने खड़े थे। जब फेस टू फेस होते हैं, एक दूसरे के चेहरे की ओर चेहरा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम एज ए प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑपोजिट को। इसी तरह से एक और आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, इसी से मिलता जुलता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? सामने। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब फिर वो नहीं है कि ये क्या है आपके कहने का मतलब है कि मुंह की ओर मुंह है, या ऐसा कोई भी इसका पर्टिकुलर नहीं होता है। जैसे आप सीधा कहेंगे देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, अब गार्डन का दरवाजा किधर है उससे कोई लेना देना नहीं है। इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मतलब हो गया सीधा सामने ही है, चेहरे से और कोई पता नहीं चलता। ये बिफोर है ना, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यहां पे इन फ्रंट ऑफ लग सकता है। तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर कभी भी एक साथ में नहीं आते जब आपको यूज करने के लिए दिया जाता है।
तो आप लिख सकते हो ए ट्री इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। ही किल्ड ए मैन इन फ्रंट ऑफ माई आईज, उसने मेरी आंखों के सामने एक बंदे को मार दिया। या आप ये भी लिख सकते हो, इसको छोटा कर दो, ही किल्ड ए मैन बिफोर माई आईज, एक ही बात है। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की जो है वो एक ही बात होती है, दोनों एक साथ यूज करने के लिए आपको कभी नहीं मिलेंगे। बता दिया है, कई बार होता है यार बिफोर आ रहा था, बिफोर तो है नहीं, ऐसी सिचुएशन में इन फ्रंट ऑफ हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये आपके जो प्रीपोजिशन चल रहे हैं वो कौन से हैं, स्पेस वाले, स्थान, कि जब एक स्थान दूसरे के सामने होता है, एक चीज दूसरी की लोकेशन उसके ऊपर है या बिल्कुल सामने है, या ऑपोजिट यानी आमने सामने, एक होता है सामने एक होता है आमने सामने, दोनों अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में इसको करते हैं इरेज और आगे जो भी आपके प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस है उनको पढ़ते हैं। थैंक यू, तब तक अपने ये इसको इरेज कर रहे हैं, एक बार देखते रहो, आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। अगर आपको लग रहा है कि चैनल से आपको कोई बेनिफिट है, आप पढ़ रहे हो, आपके कुछ समझ में आ रहा है, तो कमेंट करना भी ना भूलें और दबा दें बेल आइकन, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। इसके बाद में जो आपके प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस है उसके अंदर आ गया बिहाइंड। जैसे हमने इन फ्रंट ऑफ किया था, इन फ्रंट ऑफ का मतलब था सामने, उसी तरह अभी हम करेंगे बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे यानी ही इज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, वह पेड़ के पीछे छुप रहा है। तो जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के पीछे हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस सेंस में आप क्या यूज करते हैं, उस सेंस में आप यूज करेंगे बिहाइंड, ठीक है। इसी तरह लिखेंगे द थीफ हिड बिहाइंड मी, चोर मेरे पीछे छुप गया। आप जैसे भी किसी के बारे में कहो, चाइल्ड कह दो, चोर कह दो, एक्स वाई जेड, ही इज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, वह छुप रहा है कहां, पेड़ के पीछे। तो जब कोई एक चीज पीछे हो किसी के, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, तो आपके पीछे यानी एक चीज जब दूसरी चीज के डायरेक्ट बैक साइड में आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं बिहाइंड। अब आता है ओवर। ओवर आप तब यूज करेंगे जब स्पेस के अंदर कि कोई चीजें वर्टिकली एक दूसरे के एकदम ऊपर हो। पहला केस तो ये है कि कोई चीज कवर्ड बाई, क्या होनी चाहिए, कवर्ड। पहला केस ये रहता है कि कोई भी चीज एक चीज दूसरी चीज से कवर्ड हो, जैसे ही स्प्रेड्स द क्लोथ, ठीक है, ही स्प्रेड्स द क्लोथ ओवर द टेबल, क्या लिखेंगे, ही स्प्रेड्स द क्लोथ ओवर द टेबल। ठीक है, ही स्प्रेड्स द क्लोथ ओवर द टेबल, ये इस तरीके से हम लिख लेंगे, ही स्प्रेड्स द क्लोथ यानी कपड़ा जो है उससे क्या किया है, टेबल को पूरा ढक दिया है। या आप लिख लेंगे ही इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम पिंकी से, इनकमिंग टूक हिज हैंडकरचीफ ओवर हिज फेस, उसने अपने चेहरे के ऊपर रुमाल ले लिया है, अपने चेहरे के ऊपर रुमाल ले लिया यानी रुमाल से अपने चेहरे को क्या किया, पूरा का पूरा कवर कर लिया है। समझ में आई बात, यह है किस तरीके से हम किसका यूज करेंगे ओवर का। दूसरा केस क्या होता है, डायरेक्टली एबो, परपेंडिकुलर कह दो आप, यानी या डायरेक्टली एबो, तो क्या एबो तो हम यूज कर ही चुके, हाईर कह दो, कि सीधा एकदम सीध में ऊपर हो,
ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो स्काई इज ओवर माय हेड, आसमान कहां है हमारे सिर के ऊपर, यहां पे आप ओवर यूज कर सकते हो, या ये कह सकते हो एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ओशियन, सीध में है ओशियन के महासागर के और उड़ क्या रहा है ऊपर, एरोप्लेन उड़ रहा है महासागर के एकदम सीध में उड़ रहा है। इस तरीके से आप जो है ओवर का यूज कर सकते हो, जब या तो एक चीज दूसरी चीज के एकदम सटीक सीध में हो ऊपर हो, और दूसरा क्या है आपका कवर्ड, कि एक चीज दूसरी चीज को कवर्ड कर रही हो, कवर करते हैं कवर का ओवर, यहां से निकलो निकालो देखो तो कवर के अंदर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाता है। इसके बाद में आता है बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, जैसे वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग बिलो द डिजायर्ड अमाउंट, कि जितना चाहा गया है उससे कम बह रहा है पानी, ठीक है। ये तो आ गया आपका किसके संबंध में, हो गया मात्रा के संबंध में। अब अपने बात किस चीज की करनी है, अपने बात करनी है स्थान की, ठीक है। तो स्थान में कहते हैं नीचे, यहां पे तो क्या हुआ कि वाटर इज ब्लोइंग फ्लो द डिजायर्ड अमाउंट की उतनी मात्रा नहीं है, लेकिन जब स्थान की बात करें, सपोज करो आप एक लाइन दे देते हो कि ये जैसे मैंने ये लाइन निकाल दी, इससे नीचे नहीं लिखना है, तो ऑर्डर क्या दिया गया है, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, ठीक है, ये स्पेस के अंडर में ये होता है, इससे नीचे नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई विल नॉट गिव यू बिलो दिस अमाउंट, ये जैसे पैसे की बात आती है तो कहेंगे इस पैसे से कम में है ना कि आपको नहीं मिलेगा। जैसे वही क्षितिज में अगर कहते हैं कि सूरज क्षितिज से नीचे चला गया, डूब गया, तो आप क्या लिखेंगे, द सन, क्या लिखेंगे, द सन वेंट बिलो द, यहां पे वेंट लगा देंगे, द सन वेंट बिलो द होरिजन, सूर्य कहां चला गया, होरिजन से भी नीचे चला गया। इस तरीके से आप बिलो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका जो यूज आता है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस के अंदर वो होता है बिटवीन। बिटवीन एक तो देखो दो के बीच में जब कोई तीसरी चीज हो सेंटर में, तब क्या लगाया जाता है, अगर दो व्यक्ति हो, दो ग्रुप है, दो चीजें हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए, यानी टू, कंपैरिजन ऑफ टू अगर हो रहा है, पहला केस तो ये बनता है आपका, तब आप बिटवीन लगाते हो। जैसे दो का ही कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे देयर इज ए लैंड डिस्प्यूट, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, बिटवीन राम एंड श्याम, दो लोग हो गए राम और श्याम, तो इनके बीच में किसका झगड़ा चल रहा है, जमीन का झगड़ा चल रहा है, लोग कितने हैं, दो, ठीक है। इसी तरह मान लो कह देंगे ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, अगर दो ही बेटे हैं तो बिटवीन होगा, दो से ज्यादा है तो फिर अमंग हो जाता है, ठीक है। एक तो ये लोचा है, दूसरा लोचा ये है कि जैसे बाउंड्री की बात आती है, जो कोई कई देशों की, मान लो बाउंड्रीज, सेकंड केस कौन सा बनता है, बाउंड्रीज, बाउंड्री की बात आती है, और यानी बाउंड्री देश की कोई जरूरी नहीं, आदमी की भी हो सकती है। जैसे आपके चारों तरफ आदमी खड़े हैं, आप बीच में खड़े हो, तब आप बिटवीन कह सकते हो कि ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन थ्री पर्संस, कि तीन आदमियों के बीच में खड़ा था। इसी तरह देश की अगर बात हो तो ये भी कह सकते हैं, जैसे इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल तिब्बत चाइना, इस तरह से, ठीक है, कि कई देशों के बीच में है तो लिख सकते हैं इंडिया लाइज बिटवीन, कि इंडिया इनके बीच में आ सकता है, यानी इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति अगर चार आदमियों के बीच में खड़ा है तो उसके लिए भी कह सकते हैं ही इज स्टैंडिंग बिटवीन ए सर्कल ऑफ फाइव,
ये पांच का घेरा है और वो बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिटवीन का ही बड़ा रूप हो गया अमंग। तो देखो कोई भी चीज़ है ना, वो अगर दो से ज़्यादा है और उनके बीच में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आप अमंग लगा सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो अमंग ऑल द स्टूडेंट, या डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग ऑल पीपल, वहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब लोगों के बीच में बांट दो मिठाई को। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग ऑल पीपल, इसका क्या हुआ कि सब लोगों के बीच में बांट दो, ठीक है। या लिख देंगे यू आर ऑल्सो अमंग नॉटी बॉयज, कि तुम भी किस में शामिल हो, उन लोगों में शामिल हो जो शैतान लड़के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमंग का मतलब जो सबके साथ में, यानी दो से ज़्यादा चीज़ें हों और उनके बीच में अगर किसी चीज़ का डिविडेशन होता है तो क्या होगा, अमंग। इसके साथ ही आपके जो भी ये स्पेस वाले प्रीपोजिशन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी तरह से पढ़ते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।